नमस्ते दोस्तों, जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ऑस्ट्रेलियन दोस्त हरजीत सिंह चौहान। तो आइए आज हम देख लेते हैं एक नई वैकेंसी। काफ़ी दिनों बाद हम देखने जा रहे हैं कोई वैकेंसी को, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और जानिए क्या है वैकेंसी। ये वैकेंसी आपके राजस्थान पशुपालन विभाग भर्ती 2021 की, राजस्थान पशुधन सहायक और जलदारी भर्ती 2021 के बारे में ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो आइए आप उसको पूरा डिटेल में देखें और जाने कि आप इसमें लिए एलिजिबल है या नहीं है, सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान पशुपालन विभाग भर्ती राजस्थान में पशु चिकित्सा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्जेंट टेम्परेरी आधार पर पशु चिकित्सकों के 300 पदों को तत्काल नियुक्ति दी जाएगी। और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि आरपीसी की ओर से राजस्थान में 900 से अधिक पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया दिन अभी चल रही है, जबकि राज्य में काफी पशु चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे पशु चिकित्सा कार्य को सुचारू रूप से चलाने में बहुत परेशानी आ रही है। कार्य को सुचारू रूप से चालू करने के लिए 300 पद पर अस्थायी पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। फिलहाल के लिए तो ये न्यूज है, आगे और देखते हैं अपन। जिसको लेकर वित्त विभाग और की तरफ से मंजूरी मिल गई है, शीघ्र अब जिलेवार पदों का विवरण भी जारी करेगा भर्ती विभाग और उसको शुरू कर दी जाएगी। मानसून के मौसम में क्या होता है, देखिए मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए पशुओं को रोकथाम उपाय के लिए विभाग में योजनाओं को क्या गति मिलेगी, क्योंकि आदमी ज्यादा हो गए तो आदमी कम हो गए तो वह क्या दिक्कत आती है, ये मानसून में काफी बीमार वगैरह पड़ते जानवर, तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। आगे और देख लेते हैं इसके बारे में क्या न्यूज है। गहलोत सरकार ने राज्य में संचालित 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत कर दिया। अब पशु चिकित्सालय बन गए हैं, देखिए पशु औषधालय जिसमें 198 पशु चिकित्सकों, 198 पशु परिचरों और सेकित कल 285 नवीन पदों को सृजित किया गया है। इसके अलावा पशु चिकित्सक उप केंद्रों से कर्मोन्नत 200 पशु चिकित्सा के लिए 200 पशु चिकित्सक एवं 200 पशुधन परिचर सहित 400 पद जारी कर दिए गए हैं। ये देखिए, और राजस्थान एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा राजस्थान में पशुधन सहायक और जलदारी के 600 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर रहने वाली है, जो एनिमल वाले डिपार्टमेंट से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो उसके बारे में रोजगार चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं अपन। पशुधन सहायक और जलदारी भर्ती के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर हो गई है, क्योंकि राजस्थान में खोले गए नवीन पशु चिकित्सा केंद्रों पर दो दो पशुधन सहायक और जलदारी के पदों पर भर्ती होनी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नया प्रेस नोट जारी कर दिया गया है और कुल मिलाकर संवर्गों के 1400 नवीन पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी जाएगी। तो टोटल 1400 पदों पर आपको भर्ती मिलने वाली है और भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी जारी कर दिया जाएगा और समय समय पर आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी इसकी देखते रहे ताकि आपको ताज़ा जानकारी मिल सके। चलिए आइए मैं बता देता हूँ इसमें एलिजिबिलिटी, एज वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एक बार अपन देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए राजस्थान पशुपालन विभाग भर्ती में, देखिए एक और चीज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के 300 ग्राम पंचायतों में नए चिकित्सा पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने तथा इन केंद्रों के लिए पशुधन सहायक और जलदारी के 300 पदों के सृजन की मंजूरी दी थी। लेकिन इस प्रकार गहलोत ने प्रत्येक उपकेंद्र के लिए पशुधन सहायक तथा जलदारी के एक एक पद की सृजन की मंजूरी दे दी है और वित्त वर्ष 2019-20 में अशोक गहलोत द्वारा 5 वर्षों में 1500 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा की थी उन्होंने। और इसके दृष्टिगत रखते हुए 2019-20 में 400 पंचायतों में और 2020-21 में 200 पंचायतों में उपकेंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री जो गहलोत साहब है, उन्होंने जो एनिमल हस्बेंड्री है उस डिपार्टमेंट में काफी सारा विकास करने के लिए उत्सुक है, तो अब आप भी लग जाइए, आपको भी रोजगार मिल जाएगा इसमें। तो आइए मैं आपको और आगे की काम की बातें दिखा देता हूँ। डिपार्टमेंट का नेम कौन निकाल रहा है ये भर्ती, तो आपके उस डिपार्टमेंट का नाम है आपके राजस्थान में पशुधन सहायक की भर्ती, जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग होता है RSMSSB आयोग द्वारा भर्ती की जाती है। इसका नोटिफिकेशन समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो आप वहां पे विजिट कर लेवे। एज लिमिट देख लेते हैं, तो अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य होगी और सीमा की जो गणना होगी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया होगा उसके अनुसार होगी, भाई कब से लेंगे, विद्यार्थी कब से जन्मा हुआ हो अभ्यर्थी और कब तक उसकी लास्ट एज हो, तो वो सारा उसमें नियमानुसार छूट वगैरह भी आपको उसमें मिल जाएगी। और देख लेते हैं अपन,
एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है आपकी? तो एप्लीकेशन फीस आप देखेंगे इसमें तो अनरिजर्व ओबीसी एमबीसी क्रीमी लेयर के लिए अभी अवेलेबल नहीं आ रही है, तो लगभग आप मान के चले कि मिनिमम देखो 200-300 रहती है, मैक्सिमम आपके 600 तक जाती है, तो आप मान के चले कि इस बीच में रहेगी और बाकी जैसे ऑफिशियल आएगा तो मैं आपको और अपडेट कर दूंगा। तो ये आपकी अभी अवेलेबल सुन सबके लिए, किसी के लिए भी अभी आई नहीं है, तो नोटिफिकेशन अभी जल्दी जारी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए आपके लिए, तो वो भी इसमें देख लीजिए। पशुधन सहायक भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से वो पास होना चाहिए। इसके साथ ही पशुधन का एक वर्ष का डिप्लोमा उसके पास में होना चाहिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेन रहेगी। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके चीज़ें देख सकते हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, आप ये लिंक को टाइप करें गूगल क्रोम के अंदर या किसी में भी वेब ब्राउज़र में rajasthan.rsmssb.gov.in, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो वीडियो अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद, तय दिल से धन्यवाद मेरा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।